पौड़ों पर बैठी रही थी। हाँ पौड़ियों पर ही बैठी रही थी कई चीज़ें। हाँ तो ये गाड़ी के तो इंजन लगा हुआ है, आगे डर नहीं लगा आपको? डर तो लगा तो फिर अब घरे जाना था मुझे, क्या उतर चले चलेगी। ये तो ऊपर से कोई आने का रास्ता नहीं है? नहीं नहीं है। ऊपर से इधर से राह ही नहीं खुलता है। अच्छा राह नहीं खुलता है। तो गांधीनगर में कहाँ है आपका घर? इधर गांधीनगर के पास ये रोड पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। गांधीनगर से बाज़ार की ओर आने जाने का रास्ता नहीं है, बीच में पड़ता है रेलवे स्टेशन और मालगाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, लोगों को यहाँ पर आने जाने में हो रही है मुश्किल। हालांकि अंडरब्रिज बना है वो बाज़ार की तरफ खुलता है, लेकिन इधर वाले जो गांधीनगर का इधर वाला एरिया है वे लोग अभी भी रेलवे स्टेशन से होकर जाते हैं बाज़ार। जब मालगाड़ी खड़ी होती है तो लोग रेलगाड़ी के नीचे से जाने का करते हैं प्रयास, रहता है खतरा कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए जो है गांधीनगर के लोगों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि गांधीनगर से बाज़ार की ओर FOV बनाया जाए। हालांकि मामला MP नियालचंद मेघवाल तक भी पहुंचा था, उन्होंने भी प्रयास किया है और नगर परिषद ने ये पैसा जमा करवा कर FOV गांधीनगर से बाज़ार की ओर बढ़ाना है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस संबंध में पार्षद गुरदीप सिंह बब्बी का क्या कहना है, सुनिए। हाँ जी पार्षद जी, अभी एक महिला ये गाड़ी खड़ी इसके नीचे से आ रही थी, क्या रास्ता नहीं है गांधीनगर के लिए, क्या समस्या है जी? गांधीनगर के लिए रास्ता नहीं है जी बिल्कुल ही कोई। ये फुटओवरब्रिज बनना है, उसके हमने बहुत प्रयास किए थे, वो नगर परिषद ने पैसे जमा करवाने हैं, वो गणेश जी ने कहा है भी मैं जल्दी पैसे जमा करवा दूंगा। वो बीकानेर से इसके वो जो कोई लेटर वगैरह है ना जो पैसे जमा करवाने के, वो उन्होंने इसी कार्रवाई चालू कर रखी है। कह रहे थे भी जैसे वो लेटर आ जाएगा वैसे ही उसके पैसे जमा करवा के और FOV बन जाएगा यहाँ से। आपने सांसद महोदय नियालचंद जी मेघवाल जी हैं उनको भी मौका दिखाया था, उनकी तरफ से क्या प्रयास हुए इसमें? ये उन्हें की मेहरबानी से सारा काम हो रहा है। उन्होंने पहले इसके 5.5 करोड़ रुपए थे, फिर उन्होंने कम करवा के 4.5 करोड़ करवा दिए थे, सॉरी 3.5 के 4.5 ऐसे करवाए, कम करवा दिए पैसे, 4.25 करोड़ करवा दिए थे। फिर वो 4.25 करोड़ रुपए का बजट जो है नगर परिषद में पास हुआ था, अब वो नगर परिषद ने ये पैसे जमा करवाने हैं, इसके लिए सब कुछ हुआ पड़ा है। चेयरमैन साहब ने भी यस कर रखी है, बस अब तो बस ये कुछ कोरोना काल चल रहा है, ट्रेनें वगैरह बंद हो रही हैं, ऑफिस बंद पड़े हैं, अब ये कोई होगा तो वो ला के गणेश जी इसका बनवा के एस्टिमेट और वो पैसे जमा करवा देंगे। उन्होंने हमें आश्वासन दे रखा है कि जल्द से जल्द आपको FOV बनवा के देंगे गांधीनगर और बाज़ार को जाने के लिए, रास्ता फिर हमें बढ़िया हो जाएगा। ठीक, जैसे कि पार्षद के द्वारा जानकारी दी गई है कि नगर परिषद के द्वारा जब राशि जमा करवाई जाएगी तो काम हो सकेगा, तभी गांधीनगर से बाज़ार की ओर आने जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि कब नगर परिषद जो है पैसा जमा करवाकर गांधीनगर से बाज़ार की ओर FOV बनाने का कार्य शुरू करवाती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।